यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड लास्ट लेक्चर में हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच स्टार्ट किया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे, करेक्ट। आओ जरा चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बच्चे जो नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है कि आगे आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही में जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बस छोटा सा एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड कोई भी डाउट हो वीडियो में तो कॉमेंट करना है। ठीक है, चलिए चैप्टर है अपना एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक। देखिए, अगर वर्किंग कैपिटल की बात करूं मैं तो इसके अंदर ना और भी चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर और भी चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। अगर प्रैक्टिकल की बात करूं तो तीन चैप्टर है, एक तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा डेटर मैनेजमेंट एंड थर्ड कैश मैनेजमेंट, करेक्ट। अभी पढ़ाता तो पहले मैं एक साथ था वर्किंग कैपिटल में, लेकिन किसी बच्चे के रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इसको पहले ही पढ़ा दिया। तो आने वाला अगला जो चैप्टर होगा ये नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही छोटा और बेसिक है, बाद में करेंगे चलेगा, बड़े चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के बाद मैं दूसरा चैप्टर जब चेंज करूंगा, देखते हैं कौन सा चैप्टर करते हैं। लेकिन ये जो है बचा हुआ, इसका दो पार्ट, कैश मैनेजमेंट एंड डेटर मैनेजमेंट, ये बाद में करेंगे। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3, इंस्टीट्यूट का ही बुक का क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, एम ए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्लास्टिक कंपोनेंट। हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एसर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 विच इज फुल कैपेसिटी। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है, किस पे 12,000 यूनिट अगर प्रोडक्शन करते हैं उस पे, एंड हमारा जो 100% कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी, वो कितना है 12,000 यूनिट का, ठीक। जहां पे मटेरियल कॉस्ट होगा 40, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस 20, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6, डेप्रिसिएशन है 10 एंड फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 4, टोटल 80 आ गया। सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 96, करेक्ट, एंड सेलिंग एक्सपेंस इज 5 पर यूनिट, 80% ऑफ विच इज वेरिएबल। सेलिंग ओवरहेड 5, इसमें वेरिएबल बोल रहा है 80% हो रहा है, तो फिक्स कितना होगा 1, करेक्ट। फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन, ठीक, यानी कि नई कंपनी नहीं है, ऑलरेडी चल रही है और 2 साल का डेटा भी अवेलेबल है। पहले साल में प्रोडक्शन इतना किया और सेल इतना किया, पता है क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 1,000 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी लिख लो, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक 1,000। सेकेंड ईयर में देखो इतना प्रोडक्शन किया, ये क्लोजिंग सेकेंड ईयर की ओपनिंग, टोटल 10,000 यूनिट हुए, 8,500 सेल किया, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,500 यूनिट बचेगा।
असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कह रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए फ्लोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। रॉ मटेरियल कितना होगा? 2.25 मंथ ऑफ एवरेज कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी निकालते हैं। WIP कह रहा है नील, WIP का स्टॉक नहीं है। डेटर 1 मंथ ऑफ एवरेज सेल, कैश बैलेंस इतना है। क्रेडिटर जो है ये भी 1 मंथ ऑफ एवरेज परचेज, कुछ ना बोले तब भी तो हम परचेज में ही निकालते हैं क्रेडिटर। क्रेडिट फॉर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है वो भी 1 मंथ के क्रेडिट पे चलते हैं, करेक्ट। पूछा क्या है? वर्किंग कैपिटल तो सेकेंड में पूछा है, पहले में क्या पूछा है? पहले में पूछा है प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इग्नोर टैक्स, टैक्स नहीं है तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है दोनों साल का प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट, और दूसरे में हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है, करेक्ट। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? 3। सबसे पहले क्या निकालना है? प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एक बढ़िया कंसेप्ट आज पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए, 2 साल का निकालना है, क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, करेक्ट। सेल्स यूनिट कितना है बताइए? ईयर 1 में सेल्स यूनिट है 5000 और ईयर 2 में 8500। सेल प्राइस कितना है? 96। देखो ध्यान से, सेल प्राइस है 96, तो सेल्स कितना आ जाएगा टोटल? सेल प्राइस इंटू सेल्स यूनिट, करेक्ट। ये तो सेल्स आ गया, इसको ए नंबर दे दो। बी नंबर में टोटल कॉस्ट निकालते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। अब वो पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के खर्चे प्रोड्यूस यूनिट पे लगते हैं, जितना यूनिट बनाए हैं, ठीक। एंड उसके बाद जो सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग ओवरहेड है, वो कहां लगता है? सेल्स यूनिट पे, ठीक। तो यहां आ जाओ, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, क्या रेट है? 40। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट प्रोड्यूस डाल लो, कोई नहीं। अब इसको एक स्टेप नीचे करो, यहां पे यूनिट प्रोड्यूस लिख दो, 6000 9000। बताइए दूसरा, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस कितना है? 20। करो फटाफट से, ठीक है। अगला एक्सपेंस क्या है?
फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और क्या रेट है, 6 रुपीज पर यूनिट। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अब ये फिक्स कॉस्ट है ठीक है, 6 रुपीज पर यूनिट है ठीक। और कितने यूनिट पे हमने देखा है ये कॉस्ट को, कितने कैपेसिटी पे, 12,000 कैपेसिटी पे ये देखा है ठीक है। अब 12,000 कैपेसिटी पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा, 12,000 × 6, 12×6=72। अब जो फिक्स कॉस्ट है ना ये यही है कि होता तो इन टोटालिटी में, बस एक्सप्रेस किया जाता है पर यूनिट, तो 12,000 पे पर यूनिट एक्सप्रेस करने पे 6 आया है यानी कि 72,000 हुआ। तो आप कितना भी बनाओ 72,000 ही इनकर्ड होगा, वो तो एक्सप्रेस किया था पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड इन टोटालिटी, हाँ एक्सप्रेस किया जा सकता है पर यूनिट। अगला देखिए, डेप्रिसिएशन ये है 10, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10, तो ये भी फिक्स खर्चा है। नेक्स्ट फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये क्या है रेट 4, तो 12,000 × 4। देखो मिस्टेक होने के चांस यही होते हैं, अगर बच्चे ने इतना दिमाग लगा दिया ना कि जो फिक्स कॉस्ट दिया है 12,000 यूनिट पे वो टोटलिटी में निकालू और रख दू तो मिस्टेक नहीं करेगा। अब पर यूनिट उसको भी कैलकुलेट करने लगा, हो गई गलती, फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट निकालते ही नहीं ना, पर यूनिट थोड़ी ना इनकर्ड होता, वो तो जितना टोटल होगा उतना ही इनकर्ड होगा ठीक। अगला खर्चा देखो, ये टोटल करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, टू लाख 40 प्लस 120 प्लस 72 प्लस 1,20,000, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाएगा, ऐड करोगे सेलिंग ओवरहेड, इसमें भी दो है, एक फिक्स्ड दूसरा वेरिएबल, तो क्या आएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है पहले साल में देखो 1,000 यूनिट। अब बताइए ये 6 लाख अगर 6,000 यूनिट का है तो 1,000 यूनिट का कितना, 1 लाख, 5 लाख आएगा, करो फटाफट से, 5 लाख आएगा ठीक है। अब देखिए सेलिंग एक्सपेंस हमने देखा है ना, वेरिएबल 4 है फिक्स 1 है, फिक्स 1 है तो 12,000 यूनिट पे, यहां भी 12,000 एंड वेरिएबल है 4 के रेट से ठीक, वेरिएबल कितना है 4 के रेट से, तो 5×4=20, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कितने पे लगेगा, सेल्स यूनिट पे, कितना भी गया बताओ, यहां 5,000 यहां 8,500, फाइव लाख प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्रॉफिट।
बताओ, पहले केस में सेल्स तो 480 है बस, 52,000 आएगा निगेटिव। सेकेंड केस में आओ, यहां बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग है यही ओपनिंग हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ये जरा वर्किंग नोट पे आइए। क्लोजिंग स्टॉक फॉर सेकेंड पीरियड, दो अप्रोच है निकालने का, एक को बोलते हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या बोलता है, इस साल पहले ओपनिंग बिके होंगे, ठीक, जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है उसके बाद बिका होगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के प्रोडक्शन से बचा होगा। अगर फीफो माने तो हमने कॉस्ट शीट में फीफो ही मेथड से पढ़ा था, कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 780,000, यूनिट प्रोड्यूस 9,000, यही अगर एवरेज मेथड लगाए या वेटेड एवरेज मेथड तो ये निकलता है वेटेड एवरेज मेथड। अरे वेटेड एवरेज मेथड इतने बार पढ़े हो, क्या होता है वेटेड एवरेज मेथड में, ओपनिंग का यूनिट करंट ईयर के यूनिट के साथ जोड़ दो, ओपनिंग कॉस्ट करंट ईयर के कॉस्ट के साथ जोड़ दो, प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाया था ये चीज, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यही दोनों को जोड़ने के बाद बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइड बाय टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। बताओ इस बार 780 है, ओपनिंग का कॉस्ट 100,000, टोटल यूनिट इस बार बना है 9,000, एंड कॉस्ट में अगर ओपनिंग का जुड़ा है तो ओपनिंग स्टॉक नीचे जुड़ेगा, यूनिट 1500। ये मैंने कॉस्ट शीट में पढ़ाई थी इस टेक्निक से, ये अभी पढ़ा दिया, कुछ ना बोले क्वेश्चन तो लॉजिकली बोला जाए ना तो आपको फीफो मेथड अप्लाई करना चाहिए। क्यों, कहीं पे भी देखोगे तो जो पहले ओपनिंग स्टॉक बचे होते हैं ना ज्यादातर केसेस में पहले वही बिकते हैं, और करेंट ईयर में जो बन के आ रहे हैं वो बाद में बिकते हैं, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कैसे सोल्व किया है, वेटेड एवरेज मेथड को यूज किया है फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के लिए, ये क्वेश्चन कराने का यही पर्पज था, ये दोनों मेथड मैं आपको समझा पाऊं, ठीक। तो अगर ये यूज करेंगे तो इतना रखेंगे फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, और वेटेड एवरेज मेथड है तो इतना रखेंगे, ठीक। तो वेटेड एवरेज मेथड, चलो जो इंस्टीट्यूट यूज किया है उसी को अगर यूज करते हैं, सेल्स में से घटाओगे 22,000 प्रॉफिट आएगा, ठीक। यही अगर हम यहां पे 130 यूज करते हैं फीफो मेथड से, 130 अगर यूज करते फीफो मेथड से तो ये चेंज आता, ये आता 20,000, ठीक है। दोनों ही आंसर मेरे हिसाब से 100% करेक्ट होना चाहिए, एजम्पशन आपको डालना है, अगर मैं होता तो क्या करता, एजम्पशन डालता, नोट लिख दो, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश स्टॉक
इज डन यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। हमको तो बोला ही नहीं था कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, लेकिन हमने जो मेथड इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट किया उस मेथड से कर दिया। दोनों ही मेथड से आपको बता दिया वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है। कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट जोड़ देना है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो टोटल यूनिट भी तो लेनी पड़ेगी। इतना इस साल बना, ओपनिंग स्टॉक आया तो टोटल यूनिट आ गया, और ये जो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, ये एवरेज कॉस्ट आता है, ठीक। और उसको इनटू कर देंगे यूनिट से तो आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में पूछा है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। करेक्ट, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलिए ईयर वन, ईयर टू करो फटाफट से। वर्किंग कैपिटल तो यहां पे निकाल लेंगे, उससे पहले थोड़ा वर्किंग नोट कर ले। निकालते जाते हैं, सबसे पहले निकालते हैं करेंट एसेट। बताइए इसमें क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे निकलता है। रा रॉ मटेरियल कंजम्पशन 240,000, 360,000, और स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का, 2.25 मंथ। तो बताओ 240,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2.25, 45,000 आएगा। सेकेंड केस में बताइए 360,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2.25, 67,500 आएगा। अच्छा WIP तो है नहीं, तो सीधा फिनिश स्टॉक पे आ जाते हैं। फिनिश स्टॉक पे आ जाते हैं, देखो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन होती है, आपको पढ़ाया था मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई कितना मंथ का है फिनिश गुड्स, देखना जरा। अच्छा फिनिश गुड्स तो यूनिट में दे रखा है 1000, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ वर्किंग नोट। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये है ईयर वन, ये है ईयर टू। देखो फिनिश गुड्स के लिए वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ये रहा, लेकिन याद रखिए मैंने एक चीज पढ़ाई थी, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश कॉस्ट अप्रोच पे बनाएंगे। अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है तो उसको निकाल के, यहाँ पे एक नॉन कैश एक्सपेंस है तो 600,000 में से 120 गया, क्या लिखोगे आप, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले केस में देखो 6 में से 120 गया 480, इसका भी निकाल लो, 780,000 है, 120 जाएगा, इसमें ऐड करते हैं। आगे हमें कॉस्ट ऑफ सेल भी चाहिए, कैश कॉस्ट ऑफ सेल, क्यों कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए चाहिए क्योंकि डेटर की वैल्यूएशन तो उस पर होगी, तो निकाल लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक पहले साल में था नहीं, क्लोजिंग स्टॉक बताओ 1000 यूनिट ना, ये 480,000 अगर 6000 का डिवाइड बाय 6000 इनटू 1000 करोगे तो 12,000 + 20,000 = 32,000। ठीक है, करिए फटाफट से। ये जो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, यही यहां पे ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट मेथड यूज किया है इंस्टीट्यूट, तो हमें क्या करना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा फॉर सेकेंड ईयर, ये टोटल कॉस्ट दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल यूनिट 9000 प्लस 1000 10000 हो जाएगा इनटू 1500। क्या फीफो मेथड से कर सकते थे? डेफिनेटली, जब बोला नहीं वैल्यूएशन कौन से मेथड से, तो फीफो से कर सकते थे। 100% मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। सेकेंड ईयर में देखो कितना है, 34 + 12 = 46,000। करेक्ट। अब देखो फिनिश गुड्स तो आ गया, यहां पे क्या है 80,000, यहां पे 1,11,000। 2, डेटर। अच्छा फर्स्ट ईयर का कैसे निकलेगा, चलो यहां पे स्पेस बनाते हैं, वर्किंग नोट में कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का निकलेगा, अगर हम डेटर निकाले, फर्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट ऑफ सेल है 432। देखो जरा डेटर के लिए कहां क्या दिया है, 1 month ऑफ एवरेज सेल। अच्छा सेकेंड ईयर का ये है 1 month ऑफ एवरेज सेल, ठीक है करो फटाफट से। ठीक है अच्छा एक सेकेंड, किसका जरा टोटलिंग करना, इस 629 को हमने 729 कर दिया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। आप करो 675 / 12 = 56,250। उसके बाद कैश कुछ मेंटेन करना है, कैश इन हैंड 10,000, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, सारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो ये तो हो जाएगा करंट एसेट्स। अगर करंट लायबिलिटी की बात करें तो उसमें आएगा सबसे पहले क्रेडिटर, और क्रेडिटर के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 कर लो। क्रेडिटर निकलता है क्रेडिट परचेज पे, और यहां पे ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग नहीं कर सकते, क्यों, डिटेल हमें पता है क्योंकि
इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का ऑलरेडी हमें डिटेल पता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो हम मानेंगे कि यहां पे भी ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है तो नील है, क्लोजिंग के बराबर नहीं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा जो कि है 240,000, 3,60,000 फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, देखो इतना ही है 240,360। ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक 4,567,500, माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका कुछ है नहीं, और इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग हो जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा, बताओ क्रेडिटर कितना आएगा, ये है 1 month एवरेज परचेज, सारा परचेज क्या है क्रेडिट पे, करिए फटाफट से। उसके बाद अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करेक्ट। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या लोगे, ये आया फर्स्ट ईयर के लिए 120 प्लस, ये आया 72 प्लस, खर्चे में क्या डिप्रिसिएशन लेंगे, नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस है ये नहीं लेंगे। फिर ये 48,000 प्लस, नीचे दो और है ना 32, कितना है 12 + 20 = 32, तो पहले ईयर में आ रहा है 72,000, यहीं पे कर लो फर्स्ट ईयर 72,000 आ रहा है टोटल खर्चा, डिवाइड बाय 12 इंटू कितने महीने का आउटस्टैंडिंग चलता है 1 month, अच्छा सेकेंड ईयर का आएगा, बताओ खर्चे जोड़ो सेकेंड ईयर के, लेबर 1,80,000, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग 72, डेप्सन नहीं लेंगे 48 लेंगे, और नीचे कितना है सेलिंग से रिलेटेड 12,000 + 30 = 4,000, 3,46,000 आया। तो ये करेंट लायबिलिटी आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल, कोई कंटिजेंसीज के लिए रिजर्व जोड़ना है नहीं जोड़ना, तो इतना ही आना चाहिए, ठीक, करो फटाफट से। सेकेंड ईयर का देखो 67,500 प्लस 1,11,000 प्लस 56,000 प्लस 10,000, इस क्वेश्चन में यूनिक क्या था, बस एक पॉइंट था 28,823 वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स का तरीका, ठीक है, चलो डिफरेंस करके लिख लेना, ठीक है, चलो
ये जो डेटर है यहाँ पे भी 250 हमने छोड़ दिया है, 675 250 है, तो 250 से थोड़ा इसको चेंज कर लेना, ठीक है। चलो अकॉर्डिंगली जो भी आएगा, ठीक है। आइए जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। रॉ मटेरियल हेल्ड इन स्टोरेज ये दिया है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड रिसीवेबल का दिया है, कन्वर्जन प्रोसेस पीरियड WIP का है, और WIP में मटेरियल पूरा एंड अदर कॉस्ट 50%, फिनिश गुड्स दे रखा है, क्रेडिटर का दे रखा है, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर ये भी दे रखा है, टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, 75% ऑफ कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड 360 डेज इन अ ईयर दे रखा है। ईच आइटम ऑफ करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी बताइए, और दूसरे बताइए वर्किंग कैपिटल अगर हम कैश बैलेंस 10 लाख मेंटेन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। चलो सबसे पहले तो वर्किंग नोट देखो, टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 800 लाख, जिसमें से मटेरियल कितना है, देखो कितना बोल रहा है मटेरियल, 75% फॉर रॉ मटेरियल, तो कन्वर्जन कॉस्ट जिसको लेबर एंड ओवरहेड बोलते हैं 200 आएगा, करेक्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ ईच आइटम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एक नंबर देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब बताओगे रॉ मटेरियल किस पे निकलता है, मटेरियल कंज्यूम्ड पे, कितने दिन का रॉ मटेरियल लेना है, 20 डेज टोटल साल में, 360 डेज, WIP का स्टॉक, इसमें दो चीज है, एक तो है मटेरियल, WIP का होल्डिंग पीरियड कितना है बताओ, 10 डेज, एंड मटेरियल 100% लग चुका है, दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट 200 है, WIP का होल्डिंग पीरियड 10 डेज इंटू 50%, यह आया 16.67, यह आया 2.78, 19.45, तो यह आएगा 19.45, करेक्ट। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन तो होती है टोटल कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब जुड़े होते हैं उसमें, तो यानी कि 800 पे होगा। फिनिश गुड्स कितने दिन रहता है, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड 45 डेज, बताइए 800 डिवाइड बाई 360 इंटू 45, 100 आया। अगला है डेटर, डेटर कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालते हैं, यहां पे जो 800 है इतना ही टोटल कॉस्ट भी है, डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है, 30 डेज, एक और चीज इंटू करते हैं, अगर क्रेडिट सेल का परसेंटेज दिया हो, दिया नहीं है मानेंगे टोटल ही सेल क्या है, क्रेडिट सेल,
नेक्स्ट एसेट में तो सब चीज निकल गया, ठीक। लायबिलिटी भी पूछा है, ठीक। लायबिलिटी तो क्रेडिटर निकालते हैं, क्रेडिटर निकलता है क्रेडिट परचेज पे। हमारे केस में क्या मानेंगे, ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ओपनिंग स्टॉक का डेटा तो नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक एक तरीका है नील। मैंने बोला था नई कंपनी हो तो नील माना करो, और सारे केस में ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, या फिर जिस ईयर में तो दो साल का डेटा दे उसमें तो आपको एजम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो साल का डेटा है तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिटेल दिया रहता है, ठीक। चलिए किस पे निकालोगे, कितना है क्रेडिट पीरियड अलाउड फ्रॉम क्रेडिटर 60 डेज, अच्छा। एसेट में एक और एसेट है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर, कई बार सप्लायर को हम एडवांस भी पेमेंट कर देते हैं, तो करेंट एसेट होगा, ऊपर ही लिख लेते, फाइव डेज के लिए, करो फटाफट से। अगला कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अच्छा अपना जो परचेज कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये 200 नहीं है कन्वर्जन कॉस्ट है, देखना कितना आएगा 600 है ये, ठीक। और कुछ है कन्वर्जन कॉस्ट, कुछ दे रखा है कन्वर्जन कॉस्ट नहीं, चलो दूसरे में हमें बोला है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने को, अब सब चीज तो निकाल रखा है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पहले करेंट एसेट, ठीक है करो फटाफट से। अब यहां पे सब चीज कैलकुलेटेड है, बस आपको फटाफट लिख देना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर, एडवांस जो सप्लायर को दिया और कैश इन हैंड। रॉ मटेरियल का बताओ कितना है 33.33, WIP का है 19.45, 33.33, 19.45, फिनिश गुड्स का बताइए 100, डेटर का 66.67, एडवांस जो दिया सप्लायर को 8.33, और ये है 10 लाख, ये करेंट एसेट का टोटल, करेंट लायबिलिटी, क्रेडिटर है 100, टू 37.78 माइनस 100 तो 137.78 आएगा, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल कुछ मेंटेन करना है क्या? नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये क्या है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन थ्रू रेशियो, रेशियो को यूज करके। हमें पता है
कि वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी घटा देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। और रेशियो चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, बोला है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज बनाना है 15% किसका, नेट वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। पहले रेशियो को ब्रेक करके हमें क्या निकालना है, इच एंड एवरी कंपोनेंट की करंट एसेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, क्यों। और एक और चीज पूछा है बैलेंस शीट, तो पहले तो बैलेंस शीट बना देंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब रेशियो चैप्टर में बैलेंस शीट बोले तो आपको शेड्यूल 3 के अनुसार बनाना जरूरी नहीं है। शेड्यूल 3 कंपनी पे अप्लाई होता है, कंपनी की अकाउंटिंग आप अकाउंट में पढ़ते हैं, और जो कंपनी अकाउंट में कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ते हैं सिर्फ वहां पे शेड्यूल 3 के अनुसार बनाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी पे शेड्यूल 3 लगती है। जो नॉर्मल हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें तो शेड्यूल 3 की जरूरत ही नहीं, तो उसमें आप टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सेल्स दिया है और ग्रोस प्रॉफिट दिया है, तो सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट पता हो तो सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिक्स एसेट टर्नओवर दिया है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, करते जाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 वर्किंग नोट, हमें सेल्स दे रखा है कितना, 90 लाख और जीपी 35%, जीपी रेशियो 35%, सेल्स का 35% जीपी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 65%। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो ये होता है, टर्नओवर ऊपर लेना होता है, लेकिन कह रहा है टर्नओवर नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय फिक्स एसेट, ठीक। वैसे तो एवरेज फिक्स एसेट आता है, यहाँ पे एवरेज नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट बस बनानी है तो फिक्स एसेट लिखेंगे। एवरेज क्यों लगाते हैं, जहां पे एक डेटा पीएल का और एक डेटा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को एवरेज लेते हैं, बताओ फटाफट से, क्योंकि जो पीएल का डेटा है वो ओवर द ईयर का डेटा है, पूरे साल का डेटा है, पर बैलेंस शीट का डेटा जो है वो एट द एंड ऑफ ईयर का डेटा है, तो ऑन एन एवरेज हमें लेना चाहिए हमेशा, ठीक। फिक्स एसेट टर्नओवर देखो जरा 1.5 है, तो इससे फिक्स एसेट तो आ जाएगा, फिक्स एसेट को यूज करके कोई और रेशियो है क्या, ये तीन चीज हमने यूज कर लिया अभी तक। देखो, एक ये है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, ये रहा, जिससे जो रेशियो लिंक होते जा रहा है करते जाएंगे। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ क्या है, 1.3:1, यही था। चलिए, और हमें फिक्स एसेट तो पता है, अगर नेटवर्थ निकालना हो तो थर्टी लाख, देयरफोर नेटवर्थ हमें पता चल गया 30 लाख। नेटवर्थ का कहीं पे यूज कर सकते हैं क्या, ये दिया है रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, इतना नेटवर्थ में आता क्या है। नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रीफरेंस शेयर होल्डर फंड। प्रीफरेंस जब ना दे तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड को ही नेटवर्थ बोलेंगे, उसमें क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और नेटवर्थ तो हमें पता है, तो इसको यूज करते हैं अब आगे। ये जो नेटवर्थ है 30 लाख, इसमें दो चीज होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, और दूसरा होता है शेयर कैपिटल।
रेशियो दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल 1:1.5, तो टोटल हो गया 2.5। ये टोटल अगर 2.5 है तो 1 कितना? ये तो आया 12 लाख, तो ये आएगा 18 लाख। अगला देखिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये भी पढ़ा है ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ फटाफट से। कैपिटल गियरिंग रेशियो इसका होता है फिक्स कॉस्ट कैपिटल, जो कि प्रिफरेंस प्लस लॉन्ग टर्म डेट वगैरह है उनको बोला जाता है, डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। ये कितना दिया है? 0.7875। फिक्स कॉस्ट कैपिटल लॉन्ग टर्म डेट, प्रिफरेंस कुछ नहीं है तो डेट ही मानेंगे, डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये रहा 30 लाख। अगला ये हमने यूज कर लिया। स्टॉक टर्नओवर दिया है 6 बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एवरेज इन्वेंटरी निकालना संभव नहीं है तो क्लोजिंग इन्वेंटरी पे निकालेंगे। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय क्लोजिंग इन्वेंटरी। कह रहा है ये हम आपको दे देते हैं 6, तो हम आपको दे देते तो हम भी बता देते हैं आपको कितना आएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी बताओ, $9,75,000 देखो ये भी निकाल लेते चलो। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 1 मंथ का है, ठीक है, ये सेल्स पे निकलता है। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ये कैसे निकलेगा बताओ, रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू 12, 1 दे रखा है ना, रिसीवेबल कैसे आएगा? 90 लाख सेल है, लिक्विड रेशियो और करेंट रेशियो यही बस रह गया यूज करना। देखो लिक्विड रेशियो और करेंट रेशियो में एक क्या सिमिलैरिटीज है कि दोनों, लिक्विड रेशियो निकलता कैसे, करेंट एसेट माइनस स्टॉक है ना, करेंट एसेट यहाँ पे भी यूज हो रहा है डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, एंड करेंट एसेट कैसे निकलता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक। इसका एक फॉर्मूला डेवलप होता है, पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब रेशियो चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन कराया था तो फॉर्मूला नहीं लिखाया था, बोला थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, और क्या बताया था जब भी लिक्विड रेशियो और करेंट रेशियो दे आप क्या करो, करेंट रेशियो माइनस लिक्विड रेशियो, कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1.5 बताओ। करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी, ये क्या होता है, करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, करेंट एसेट माइनस करेंट एसेट प्लस स्टॉक,
स्टॉक इज इक्वल टू करेंट लाइबिलिटी विच इक्वल टू स्टॉक तो निकाल रखा है कितना 975। अब देखो लिक्विड रेशियो हमें पता है करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी, ये 1.5 है। कोई बताएगा 975,000 इंटू 1.5 प्लस 975,000 ये कितना आएगा? ठीक है करिए फटाफट से करिए। अब बैलेंस शीट बना लो, पहला जो रिक्वायरमेंट था क्या था, इसमें फिक्स एसेट लिखोगे जो कि निकाल रखा हमने आई थिंक 39 लाख आया था, फिक्स एसेट 39 लाख करेक्ट। फिर आप करेंट एसेट लिखोगे, इसमें तीन चीज आएगी, स्टॉक 975, डेटर 750,000, कैश एंड बैंक ये हमें नहीं पता पर टोटल करेंट लायबिलिटी पता है, तो टोटल एसेट साइड आ जाएगा। अच्छा कैश एंड बैंक कैसे आएगा, इसमें से ये दोनों घटा दो, इतना दिखाने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन जितना कम टाइम में करोगे उतना बढ़िया है। इधर क्या आएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 18 लाख है, 12 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट करेंट लायबिलिटी 975,000 है, लॉन्ग टर्म डेट बताओ 23,62,500 टोटल करो। दूसरे में पूछा है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, टोटल करेंट एसेट लिख लोगे, लेस टोटल करेंट लायबिलिटी, तो ये तो आता है नेट वर्किंग कैपिटल, मार्जिन जोड़ोगे 15% है ना, ठीक है आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कि भले ही आप अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेचो कोई दिक्कत नहीं, इससे सेल प्राइस कम हो जाएगा पर कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। ठीक, मान लो कोई चीज 8 रुपए में बना है करेक्ट, इसमें 5 रुपए प्रॉफिट चार्ज करके मैं बेच रहा था 13 में, अब मैं आगे इसको डिस्काउंट कर दिया 3 रुपीज 10 में बेच रहा हूं, तो 10 रुपीज सेल प्राइस है पर कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, अब प्रॉफिट कम हो गया डिस्काउंट की वजह से, कॉस्ट कभी भी सेल प्राइस के कम होने से कॉस्ट कम नहीं होता। ठीक, कॉस्ट तो कम होगा अगर सेल्स कम क्वांटिटी की वजह से हुआ है, कम बना के बेचा है तो बनाओगे कम तो खर्चे भी कम लगेंगे, लेकिन अगर आप
सिर्फ सेल प्राइस चेंज कर रहे हो, तो इससे कॉस्ट में कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कह रहा है सेल्स करते हैं डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट। कई बार बहुत सारी कंपनियां होती है ना जो कंट्री में भी डोमेस्टिक सेल करते एक्सपोर्ट भी करते, एक्सपोर्ट करते हैं 3 मंथ क्रेडिट, और जो एक्सपोर्ट करते हैं ना वो सेल 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस, ठीक, नॉर्मल प्राइस से 10% नीचे सेल करते हैं। मटेरियल यूज दिया है, ये खर्चे दिए हैं वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एंड सेलिंग एक्सपेंस दिया है, ठीक है, इनकम टैक्स दिया है। पता है ये तो एरियर है 3 खर्चे, और ये 2 खर्चे क्या है, इनकम टैक्स तो एरियर है, एक एडवांस में है, ठीक, ये क्या है एडवांस में, क्वार्टर बोल रहा है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, इग्नोर WIP यानी कि WIP नहीं है, भूल जाइए, डेप्रिसिएशन को छोड़िए, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन ऐसे भी दे नहीं रखा है, सीधा में क्या दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैश, यानी कि जो ओवरहेड में डेप्रिसिएशन होता है वो है ही नहीं, ठीक है। कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इच, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 मंथ का रखते हैं, बिलीव इन कीपिंग दिस मच अवेलेबल फॉर, अच्छा ये लास्ट के लिए समझाने के लिए रहने देता हूं, ठीक, ये कैश इन हैंड समझाऊंगा तब, वहां पे डिस्कस कर लूंगा। क्या है 10% मार्जिन भी जोड़ना है, एस्टिमेट करिए वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कोई बात नहीं। जरा ये है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है डोमेस्टिक, वर्किंग कैपिटल तो बाद में निकालेंगे, पहले वर्किंग कर लेते हैं कुछ, और ये है एक्सपोर्ट, नॉर्मल सेल्स डोमेस्टिक का तो हमें पता है 18 लाख, जो कि नॉर्मल ही सेल है, पर पता है एक्सपोर्ट में 8,10,000 है ना, ये डिस्काउंट पे है, तो नॉर्मल प्राइस पे लेके जाएंगे तो 10% डिस्काउंट है ना, तो ये 90% पे होगा, तो 100% पे ले जाओ। नॉर्मल सेल प्राइस क्यों कर रहे हैं, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में से जीपी घटा दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लाता है, करेक्ट, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना ये कैलकुलेट होता है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक, तो ये अप्लाई भी करते हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, ठीक, तो उसके लिए नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो लानी पड़ेगी। यहां से अगर जीपी घटा दूं जो कि है 20%, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताओ 18 लाख का 20% कितना है, 3,60,000, टोटल बोले तो ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल हमें चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल क्यों चाहिए बताओ फटाफट से, सर कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए चाहिए क्योंकि डेटर कॉस्ट ऑफ सेल पे निकलता है, करेक्ट, ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस जरा देखो ये कितना है, 1,12,500, ये तो टोटल में, डोमेस्टिक के लिए कितना और इसके लिए कितना ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक, अलग अलग क्यों करना है, क्योंकि देखो डेटर एक का 1 मंथ का है, एक का 3 मंथ का है, सेम ही होता अगर मंथ में तो हम इतना करते नहीं, टोटल में भी करते सेम आंसर आता,
लेकिन अलग अलग करने का इस जरूरी है कॉस्ट ऑफ सेल को, क्योंकि एक डेटर जो डोमेस्टिक है वो 1 month के लिए क्रेडिट देते हैं एंड जो एक्सपोर्ट है वो 3 month के लिए देते हैं, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस के कुछ ना दे, तो नोट लिखिए, सेलिंग एक्सपेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि फॉर डोमेस्टिक अगर देखा जाए तो टोटल इतना सेलिंग एक्सपेंस है, सेल्स कितना है टोटल, देखो अब ये सेल्स पे लेना है, नॉर्मल सेल नहीं, वो तो जीपी घटाने के लिए ले रहा था, सेल्स पे टोटल सेल ये रहा, इस रेशियो में बांटना है ना, 18 लाख प्लस 8 लाख 10 हजार, टोटल सेल इतना है तो 18 लाख के हिस्से में कितना आएगा बताओ, देयरफॉर फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए कितना हो जाएगा, टोटल में से डोमेस्टिक के लिए जितना सेलिंग एक्सपेंस आया वो घटा दो, चलिए ठीक। वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए, फिनिश स्टॉक के लिए। फिनिश स्टॉक देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पे देखो ये रहा डोमेस्टिक, ये रहा एक्सपोर्ट, फिनिश स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करते हैं, करेक्ट, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हम सेम मानते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर आता है, जो कि ये हमें पता है, ठीक, ये हमें पता है, और फिनिश गुड्स तो एक साथ ही कर सकते हैं, फिनिश गुड्स का कितना है 1 month, इतना करने की जरूरत नहीं, फिनिश गुड्स का तो 1 month ही है ना, ये तो टोटल फिनिश गुड्स का ही है, बताओ अगर हम यहीं पे डेटर निकाल दे तो चलेगा, देखना जरा, डोमेस्टिक में 1 month के लिए देते हैं ना, तो थोड़ा क्या करता हूं मैं, इसको नीचे लेके आते हैं, बताओ और इसमें देते हैं 3 month के लिए, ठीक है, ठीक है, तो टोटल में कितना आएगा, टोटल डेटर आएगा 126,465 प्लस 188,729, 315,194, ठीक है, इतना निकाल लिया। अब सीधा स्टेटमेंट पे आते हैं, लिखो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट,
पर्टिकुलर्स। करेंट एसेट्स, उसमें भी सबसे पहला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मटेरियल कंज्यूम्ड पे निकलता है, जो कि दे रखा है 6,75,000। बताओ WIP कुछ है नहीं बोला था, फिनिश गुड्स हमने निकाल रखा है 1,80,000। डेटर बताइए 3,15,194। कैश इन हैंड कुछ है? देख लेंगे एक सेकेंड। कैश इन हैंड छोटा कंसेप्ट है, बताता हूं। उससे पहले कुछ प्रीपेड वगैरह, प्रीपेड यहां देखो, ये खर्चे तो आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। सेलिंग प्रीपेड है क्वार्टरली इन एडवांस, तो 1,12,500 फोर क्वार्टर का, तो वन क्वार्टर का कितना 28,125। कैश इन हैंड देखो जरा, कह रहा है बिलीव इन कीपिंग 2,50,000 अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000। हम हमेशा 2,50,000 अपने पास रखना चाहते हैं कि खर्चे के लिए जरूरत पड़े तो 2,50,000 तक की हो, जिसमें से हमारे पास ओवरड्राफ्ट 75,000 की है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये ऐसी फैसिलिटी है, एक लोन सैंक्शन ही समझो, जहां पे आपको जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो आप ओवरड्राफ्ट को यूज करके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। जितने दिन के लिए ओवरड्राफ्ट से पैसे निकालेंगे उतने दिन के लिए ब्याज लगेगा, तो इतना तो ओवरड्राफ्ट अपने पास पड़ा है, तो बैलेंस तो हमें कैश रखनी पड़ेगी ना। 250 में से 75 गया, 175 आएगा, ठीक। चलो उसके बाद करेंट लायबिलिटी, सबसे पहला क्रेडिटर, क्रेडिटर 2 मंथ क्रेडिट देता है क्रेडिटर अपने को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? देखो वेजेज मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों खर्चा 1-1 मंथ क्या चलता है लाख, तीनों को जोड़ के एक साथ कर दो 540 प्लस 7,65,000 प्लस 1,80,000। इनकम टैक्स कह रहा है इनकम टैक्स इज पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच 1 फॉल इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब एक इंस्टॉलमेंट एरियर पे रहेगा 1,68,000 इनकम टैक्स पेबल। ताने जरा करो, एक बार टोटल करो आप लोग, ठीक है करिए टोटल, ये आएगा 56,250 प्लस 1,80,000 प्लस 3,15,914 प्लस 28,125 प्लस 1,75,000।
ठीक है। यहां पे देखोगे एक चीज ध्यान देना, इसको हमें वेजेस जो है ये हाफ मंथ लिखा है ठीक, और ये दोनों वन मंथ लिखा है, तो इनको एक साथ कर सकते हैं। वेजेस हाफ मंथ है, वन मंथ जैसा दिखा मुझे, पर हाफ मंथ दिया है, अलग से करना। आउटस्टैंडिंग वेजेस अच्छा, वेजेस कितना है 5,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 करूंगा, 22,500 आएगा। ये कितने आएंगे दोनों, मैन्युफैक्चरिंग 7,65,000, 1,80,000 एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आया 9,45,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, ठीक है करो फटाफट से। नेट वर्किंग कैपिटल कितना आएगा, यहां पे भी आई थिंक टोटल मिस्टेक, एक बार टोटल लिंक करना फिर से, क्या आना चाहिए, नाइन हंड्रेड फोर्टीन कर दिया मैंने। फाइव सिक्सटी नाइन होना चाहिए और हमने क्या कर दिया था, 269। ये करेंट लायबिलिटी का भी टोटल करना है, क्या सही किया, इसमें कुछ मार्जिन जोड़ना है ना, 10% ऑन कंप्यूटेड फिगर, मतलब जो आएगा उस पे 10%, राउंड ऑफ कर देना ठीक है। तो 498,819 प्लस 49,882 ये आएगा ठीक है, हो सकता है एक आध रुपया ऊपर नीचे आए राउंड अप की वजह से ठीक, 1 रुपीज चेंज आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 10 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेल्स दे रखा है, मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, ओवरहेड जिसमें डेप्रिसिएशन इतना है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस। वर्किंग नोट्स अगर आओगे तो डायरेक्ट मटेरियल दिया है कितना, 27 लाख, डायरेक्ट लेबर दिया है 21,60,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया है, लेकिन कैश कॉस्ट लेना है डिप्रिसिएशन घटा के, 32,40,000 में से 3,60,000 घटा के, बताओ ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे क्या, कोई फायदा नहीं है, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक एज्यूम करेंगे, सेम ही आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस अगर जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा जो कि कितना है, 10,80,000। अब आओ एस्टिमेशन ऑफ
वर्किंग कैपिटल। बताइए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना है? इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स 3 मंथ। रॉ मटेरियल निकलता किस पे? मटेरियल कंज्यूम पे, और कितना है? 3 मंथ के लिए। ये रहा मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आप WIP के स्टॉक की बात करोगे तो वो है नील, क्वेश्चन में दे रखा है, करेक्ट। फिर फिनिश गुड्स, ये किस पे निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कहाँ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? ये रहा कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकलता है। ये भी 3 मंथ के लिए। कैसे? देखो क्वेश्चन में बोला है कि फिनिश गुड्स का भी 3 मंथ है, बताओ। अगर हम डेटर की बात करें तो ये निकलता है कॉस्ट ऑफ सेल पे, जो कि है ये रहा 88,20,000। रिसीवेबल आर अलाउड 3 मंथ क्रेडिट। प्रीपेड, देखो लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर, ये तो आउटस्टैंडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड इन एरियर, ये भी आउटस्टैंडिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड पेड 1 मंथ एडवांस, ये एडवांस में है। कितना? 1 मंथ। कैश इन हैंड कुछ है क्या? 3 लाख। ये टोटल करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी बताइए। इसमें सबसे पहले तो आएगा क्रेडिटर। ओपनिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं है, मानेंगे ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, तो इस हिसाब से क्या होगा, जितना कंज्यूम्ड है उतना ही परचेज आना चाहिए। रॉ मटेरियल क्रेडिटर हमें 3 मंथ क्रेडिट देता है। अब क्या है देखो, लेबर भी 1 मंथ डिले चल रहा है एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी 1 मंथ एरियर चल रहा है, एक साथ कर दूं, आउटस्टैंडिंग लेबर एंड ओवरहेड, बताओ। लेबर कितना है? 21,60,000। ओवरहेड कितना है? 28,80,000। टोटल हो गया 50,40,000। और कोई चीज है? मार्जिन जोड़ना है, कितना बताओ? 10%। हमें गुड्स सोल्ड किया है 33% प्रॉफिट, इसका काम क्या है वर्किंग कैपिटल में? कुछ नहीं। क्यों? हम टोटल जो डेटर है वो डेटर तो हम कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, तो फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। कैश कॉस्ट अप्रोच बोला है, नहीं भी बोलता तो हम यही करते, टोटल बोलता टोटल कॉस्ट अप्रोच, तब जाके डेप्रिसिएशन को भी खर्चे में लेते, ठीक है। चलो फटाफट से देखो कितना आएगा, ठीक है।
आई जरा क्या होगा यहां पे, करेंट लायबिलिटी, उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल, और इसमें हम जोड़ देंगे सेफ्टी मार्जिन जो कि है 10% ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कितना आएगा 6,75,000 प्लस 19,35,000 प्लस 22,05,000 प्लस 90,000 प्लस 3,00,000, ये आया 52,05,000 करेक्ट। नीचे देखो 6,75,000 प्लस 4,20,000 तो ये आएगा 45,21,000 फाइनल आंसर आना चाहिए। चलो ठीक, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आज क्लास थोड़ा जल्दी एंड करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आप लोगों से। टिल, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।